मुंगेली में लोरमी मुख्य मार्ग पर ग्राम पंचायत कंथेली स्थित सरकार द्वारा संचालित शराब दुकान को अनियंत्रित स्थापित किए जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। बता दें मुख्य मार्ग पर शराब दुकान होने की वजह से आवागमन तो बाधित होता ही है, साथ ही शराबियों द्वारा महिलाओं और स्कूली छात्रों पर अभद्र टिप्पणी की जाती है। यही वजह है कि आक्रोशित लोगों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शराब दुकान को हटाने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी भी दी। इस पूरे मामले पर कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर परीक्षण कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। 45 से पहले शराब भट्टी रखा गया है और वो भी मेन रोड में है, जिससे परेशानी हमारी माताओं बहनों को उस राह पर चलने में इतना दिक्कत शर्म महसूस होती है। कोई तो कोई गाली बकते हैं तो कोई उन लोगों को हाथ इशारा दे करके कोई बोलते हैं। हमारे स्कूली बच्चे जो हैं वहाँ पर स्कार पर बांध करके ही वहाँ से पार हो सकता है। कंचेली के दारू भट्टी हटाए बर हमन यहाँ आए हैं कलेक्टर साहब से। कहाँ परेशानी होती है? बताए हैं कि लड़का मन स्कूल आए जाए में परेशानी होते, गाली गलौज करते, लेडीज मन नकत लिखन बहुत शर्मिंदगी महसूस करते। कंचेली के दारू भट्टी को हटाना है। क्या परेशानी हो रही है उससे? परेशानी बच्चों को हो रहा है, महिला लोगों को भी हो रहा है, यहाँ से हटना ही चाहिए। बंद दुकान को शिफ्ट करने की मांग की गई है, तो मैंने आपके विभाग को बोला कि आवेदन का परीक्षण करेंगे और उसके लिए वहाँ पर क्या निर्देशन है उसको जानेंगे। जो नियमित प्रक्रिया है उसके तहत जो एक नवंबर महीने में एक समिति या फिर मीटिंग होता है जिसमें उसको जिसमें प्रकार का ऑब्जेक्शन हो रेस कर सकते हैं।